क्या दशा हुई तीन दुखियों की महात्माओं की। हाथन में पड़ा पाइन में पड़ा और बगलन में रस्सी पड़ी भई। महात्माओं की क्या दशा है दीन दुखियों की। अत्याचार कर रहा है महात्माओं को, रोटी के टुकड़े पानी में डाल के देता है। अधिक जब अधर्म होता है तब तब भगवान का अवतार होता है। जब जब होए और धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब पृथ्वी पे अत्याचार ही अत्याचार होता है तब तब भगवान का अवतार होता है। मेरे सभा के लोगों, कंस गद्दी पे बैठ गया और मंत्री से बोला, कहो अब गद्दी शोभा दे रही है कि नहीं। एक ने कहा, महाराज शोभा तो दे रहे हो लेकिन खूब ठीक नहीं लग रहे, क्या कमी है। बोले अब राजा भी हो गए हो, अब अकेले शोभा नहीं देते हो, तुम अपना विवाह कर लो, अब रानी और घर में आ जाए। राजेंद्र भैया, हमारी माताएं बहनन पे बहुत बड़ी कृपा है, पति बहुत मेहनत करते हैं, 5 साल तब हो पाते प्रधान, अब भी प्रधान हो गए तो धर्म पत्नी को हो जाती प्रधान। और पति अगर फौजी हो जाए फौजी तो पत्नी को हो जाती फौजी। और पति को मास्टर हो तो पत्नी मास्टर ने कछु ना जानती। वाह भाई वाह। पति अगर डॉक्टर हो तो पत्नी को हो जाती डॉक्टर ने। और पति को डांकिया हो तो टंकी नहीं। भोजराज कंस से एक मंत्री ने कहा, महाराज विवाह कर लो। और दूसरा कहने लगा, हमारी नजर में दो लड़कियां बहुत सुंदर हैं। कहां की है? बोले मगध का राजा है जरासिंध, और जरासिंध की दो बेटियां जुड़वा पैदा हुई हैं, जिनका नाम है आस्ति और प्राप्ति। क्या कहा? दोनों बेटियां जो है ना, ये दोनों चंद्रपद उजियारी अपर घूमे घर में त्वारी। दोनों जरा सिंध की दोनों बेटियां चंद्रपद में उजियारी
कहने लगा आज ही जाऊंगा और एक से नहीं दोनों से विवाह करूंगा। इधर से घोड़ा पे बैठ के कंस चला, मगध में पहुंच गया जहां जरा सिंध की सभा लगी है। छाती तान के भोजराज कंस खड़ा हो गया, आवाज लगाई जरा सिंध। हाँ महाराज आओ आओ, मथुरा के सम्राट आइए। कंस कहने लगा तुमने हमें पहचाना कि नहीं? बोले बिल्कुल।